अनुव्रतों का पालन करने के लिए गुणव्रतों की भी जरूरत पड़ती है और उस गुणव्रतों के कारण ही उस व्यक्ति के उस व्रतों का पालन अच्छा हो जाता है, सुरक्षा हो जाती है। जिस तरह खेती में आई हुई फसल की सुरक्षा होने के लिए बाढ़ की जरूरत पड़ती है, उसी लिए अनुव्रतों के लिए गुणव्रतों की जरूरत पड़ती है। इसीलिए उस दिग्व्रत आदि को बता के और अनर्थ दंड व्रत को बताने के बाद उस अनर्थ दंड व्रत के बाद भोगोभोग परिमाण के बारे में बताकर आए हैं। भोग और उपभोग क्या होता है और जिसके कारण जिसका परिमाण किया जाता है और उसी के कारण ही उसकी इच्छाएं कम हो जाती हैं और इच्छाएं कम होना ही इच्छा निरोध तप। जितनी इच्छाएं कम होती है उतनी पंचेंद्रिय विषयों की लालसा कम होती जाती है। और ये बता के मद मधु आदि को लेके आचार्य कहते हैं कि जैन धर्म को धारण करने का प्रारंभिक नियम है कि मद्य मांस और मधु का त्याग, और इसके बिना जैन धर्म का धारण नहीं हो सकता। और जिसके द्वारा त्रस्त जीवों का घात होता है, इससे बचने के बाद और भी बातें बताकर आए हैं। अल्प फल बहुत घात, ये शब्द देख के जिसके द्वारा विघात होता है, फल कम मिलता है और विघात ज़्यादा होता है, अनेक त्रस जीवों की हिंसा को यहाँ विघात शब्द को दिया गया है। और इसीलिए इसका भी त्याग होने के बाद अब आगे बताते हैं, जो पदार्थ प्रासुक होने पर भी अनिष्ट है, अनुपसेव्य है, वह भी छोड़ने योग्य है। इसके लिए आगे के श्लोक में बताते हैं, यदनिष्टम तदव्रतयेद् एचानुपेसव्यमेत तदिजयात्। अभिसंधिकृता विरतिर विषयाद योग्याद व्रतम भवति। यदनिष्टं तदवदयेत् यच्चानुत आचार्य कहते हैं, जो वस्तु आहितकारक है उसे तो छोड़ दिया, लेकिन कई ऐसी वस्तु है कि सेवन करने के योग्य न हो, यह भी छोड़े जाते, क्योंकि
योग्य विषय से अभिप्राय किए हुए निवृत्ति ही व्रत होता है। प्रासुक होने पर भी उस वस्तु को प्रासुक कर सकते लेकिन अनिष्ट है, अर्थात वे अपने प्रकृति के अनुकूल नहीं है, उसको छोड़ना चाहिए। जैसे बताकर आए थे, उंटिनी का दूध है, शंख का चूर्ण है, लार है आदि, ये वस्तु अनुप सेवे है और मनुष्य के सेवन करने के योग्य नहीं है, इसलिए इसको छोड़ना चाहिए। लेकिन इसका ये क्योंकि अनिष्टपन और अनुप सेव के कारण छोड़ने के योग विषय से अभिप्राय प्रयोग जो निवृत्ति होती है उसको व्रत कहते हैं। इसका क्या किया जाता है, संकल्प किया जाता है कि इसका मेरा क्या रहेगा, त्याग रहेगा, क्योंकि संकल्प के बिना व्रत नहीं बनता। और इस बात को बताते हुए आचार्य कहते हैं कि जो अपने कुल व्यापार व्यवहार धर्म को मलिन करने वाली जो वस्तुएं हैं, भक्ष्य होने पर भी धार्मिक पुरुषों के द्वारा सेवन करने के योग्य नहीं है, उसको बोलते अनुपसेव्य। और ऐसे अनुपसेव्य पदार्थ से नियम से हानि होती है। ये पदार्थ का उपयोग करने से ये धर्म मार्ग से भ्रष्ट होता है, लोगों में निंदा का पात्र बनता है, और इसीलिए व्रत उसको कहते हैं कि अभिप्राय पूर्वक जो योग्य विषयों से निवृत्ति होना ये क्या होता है, व्रत होता है। और इससे बचने के लिए और सदाचार का पालन करने के लिए अनिष्ट और अनुपसेव पदार्थों का त्याग होना ही चाहिए, क्योंकि ये शरीर को पीड़ा देने वाले व्याधि का निमित्त बनता है, वात पित्त कफ आदि प्रकोपित हो जाते हैं। ये अनुपसेव पदार्थ लेने से पेट में दर्द भी होता है और रक्त विकार होकर आदि दोष होते हैं, इसलिए आचार्य कहते हैं जैसे दमा के रोगी के लिए दही खाना नहीं, अब उसको ले नहीं सकता तो भी वो सेवन योग्य इसलिए उसको ले लेता है, क्योंकि प्रकृति को देख के कहीं वस्तु खाने के योग्य है तो भी उसको त्याग करना पड़ेगा, नहीं तो खाना अभक्ष थोड़ी है, ऐसे खाते जाएंगे तो बीमारी और बढ़ती जाएगी, इधर दवा भी खाना और इधर दही भी खाना। तो ये विवेक और बुखार के लिए रोगी के लिए क्या है, मीठा है आदि मना करते, जुखाम वालों के लिए भी जो ठंडी वस्तु है वो भी मना करते, लेकिन ऐसी वस्तु मना करने के बाद उसका क्या करना, छोड़ देंगे तब आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। इसलिए आचार्य महाराज इसको भी बता के और ऐसे पदार्थ से हम दूर हो सकते। और कई कई वस्तु ऐसी है जो ग्लानी को प्राप्त कर देती हैं, प्रासुक होते हुए क्या होता है, उसको देखते ही ग्लानी हो जाते, तो ऐसी वस्तु का भी त्याग किया जाता है। क्योंकि अनिष्ट जो शब्द है इसमें आया है, यद निष्ठ अनिष्ट यानि हानिकारक है, इसके न स्वास्थ्य की रक्षा होती है, न बुद्धि की वृद्धि होती है और अपने स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं रहता। इसीलिए छुआछूत जो शब्द बैक्टीरिया उत्पन्न जिसके द्वारा होती है, ऐसे वस्तु से बचना। बैक्टीरिया प्रवेश करने के 5 मुख्य कारण हैं, उसको भी थोड़ा समझेंगे। जैसे जहाँ हम भोजन बनाते हैं
वहाँ का वायुमंडल, वहाँ का वातावरण, और उस कमरे में जहाँ खाद्य पदार्थ रखे हैं, अंधेरे का स्थान हो, जहाँ हवा नहीं पहुँचती, ऐसी जगह वस्तु रखे हुए खाद्य पदार्थ भी क्या होता है, खराब हो जाता है। यानी पांच जगह बताया है। एक है वायुमंडल, हवा का संचारण वहाँ होते रहना चाहिए। दूसरा है कि जिस कमरे में जहाँ भी पदार्थ रखते हैं वह स्थान भी उजाले का होना चाहिए, अंधेरे का नहीं होना चाहिए। और तीसरा है बर्तन। बर्तन पहला देखा जाता है, बिना बर्तन देखे बिना साफ किए हुए उसको रखेंगे, साफ भी है तो भी एक बार क्या किया जाता है, उसको धोया जाता है, क्योंकि आपने बर्तन को तो रखा है लेकिन कई समय उसको वैसा ही रखा था, और तुरंत लेके उसमें कुछ डालेंगे ना तो बैक्टीरिया उसमें भरी हुई है, तो बैक्टीरिया उत्पन्न होने का वह स्थान बनेगा। तो वस्तु बर्तन में रखने से पहले उसको धो के साफ करेंगे तो बैक्टीरिया उसमें उत्पन्न नहीं होगी। और वस्त्र, भोजन बनाते समय अपना वस्त्र कैसा है, कल बताया था सराख का, क्योंकि बाहर जाकर आते ही वो साड़ी चेंज किए बिना भोजन नहीं बनाते, क्योंकि बाहर आप घूम के आए हैं तो आपके कपड़े पर बैक्टीरिया, बाहर का प्रभाव, प्रवास से आए या हॉस्पिटल से आए हैं या भीड़ में से आए हैं, ऐसे जगह से आने के बाद वहाँ के बैक्टीरिया के उत्पत्ति का स्थान वो नियम से बन ही जाता है। तो उसको चेंज किए बिना भोजन नहीं बनाना, नहीं तो आपका भोजन शुद्ध भी नहीं रहेगा। तो वस्त्र है और शरीर, शरीर की शुद्धि हो तो आपके हर क्रियाएं हाथ से हो रही है, अगर शरीर की शुद्धि नहीं है तो भी बैक्टीरिया उत्पत्ति का स्थान आपके हाथ से निमिष बनेगा उसमें। इसलिए शरीर है और मन, भोजन बनाते समय और भोजन करते समय मन की भी शुद्धि होना चाहिए। क्रोध के साथ बनाना, क्रोध के साथ खाना, टेंशन के साथ, तो ये क्या हो जाता है, सब स्वास्थ्य के लिए सब हानिकारक है। तो इसीलिए इस पांच बातों से बचेंगे, जिसके द्वारा बैक्टीरिया प्रवेश करने के ये पांच द्वार है, इससे हम बच सकते, क्योंकि भोजन शुद्धि का प्रयोजन ही है कि सूक्ष्म जीवों में, जीवों से भी भोजन की रक्षा करना है। त्रस जीवों की तो बात किया, सूक्ष्म जीवों से भी भोजन की क्या करना है, आपको शुद्धि रखना है। और जिन्हें आज का विज्ञान बैक्टीरिया बोलता है, तो इसलिए बैक्टीरिया से भोजन की रक्षा करने के लिए तीन दृष्टियों से उपयोगी होता है। हम इस बैक्टीरिया से बचने का तीन कारण है, एक अहिंसा की दृष्टि से, दूसरा शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से, और तीसरा साधना की दृष्टि से। ये तीन काम इसके द्वारा होता है, एक अहिंसा धर्म पलेगा, दूसरा शारीरिक स्वास्थ्य के दृष्टि से भी है, और तीसरा साधना की दृष्टि से, क्योंकि अपने परिणामों की रक्षा इसके बिना हो नहीं सकता। और यद्यपि डॉक्टर लोग स्वास्थ्य की दृष्टि से ही बैक्टीरिया और उनसे बचने का उपाय बताते, पर हम इसी सिद्धांत की को साधना की दृष्टि से भी ग्रहण कर सकते हैं,
जिसमें स्वास्थ्य की रक्षा तो स्वतः हो ही जाती है और इसी के कारण इंद्रियों के विषयों से हम बच जाते हैं। इंद्रियों के जो विषय है, जो खाने पीने के काम में आने वाले जो सांसारिक बाह्य पदार्थ रूप जो है, वे ही विष रूप हो जाए, खाने के पदार्थ ही विष रूप हो जाए, तो उस विष के कारण जिस प्रकार संसारी जीव बेहोश हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, उसी प्रकार इंद्रियों के विषयों के फंदे में पड़कर अपना आत्मा क्या करता है, अपने आप को भूल के आकुल व्याकुल हो जाता है और इसीलिए उस विषयों के चपेट में आकर वह व्यक्ति जैसे कमल के सूंघने के लिए बैठा हुआ भूंगा भूल जाता है, उसी तरह संसारी अपने धर्म अहिंसा अपना स्वास्थ्य इसको सबको भूल जाता है, तो उससे अपने को बचना है। ये बता के अपनी प्रकृति के अनुसार सावधानता रखते हुए हानि से बचते हुए अपने को कार्य करना है, क्योंकि प्रासुक होने के बाद ही त्रस अवस्थावर के घात से रहित होने पर होता है, इसलिए उसको प्रासुकता के साथ योग्य पदार्थ का ही उपयोग करेंगे, क्योंकि इसके पहले बता कर आए कि बहुघात या त्रसघात बहुघात और प्रमादवर्धक अनिष्ट और अनुपसेव पांच प्रकार के अभक्षों के बारे में परसों बताकर आए। अब कहते हैं आगे वह परित्याग दो प्रकार का होता है, त्याग भी दो प्रकार से होता है, कौन कौन से होता है बताते हैं। नियमो यमश्च विहितो, हाँ आचार्य कहते हैं नियमो यमश्च विहितो, भोगो भोग संहारात, तो भोग और उपभोग के परिमाण का आश्रय लेके क्या करना, नियम और यम दो प्रकार के प्रतिपादित किए गए हैं। तो नियम किसको कहते हैं और यम किसको, तो आगे कहते उनमें परिमित काल, जो काल के परिमाण से सहित है वह नियम होता है, और जो यावत जीवम यानि जीवन पर्यंत के लिए जो धारण किया जाता है उसको क्या बोलते, यम कहते हैं। इसलिए देखो एक नियम संलेखना भी होती है, यम संलेखना भी होती है। नियम यानी क्या, इतने समय के लिए मैं ये त्याग करूँगा, ऐसे करते करते जब अंत में आता है, जब अब सब छोड़ना है, तो कौन सी संलेखना शुरू होती, यम, जिसको आजीवन जीवन पर्यंत के लिए त्याग। तो उसी तरह यहाँ बताया जा रहा है कि वह व्यक्ति इसका परिमाण करते हुए प्रत्येक जो जो वस्तु भोग और उपभोग जो परिमाण किया था, तो उसमें से जो परिमाण समय के अवधि के लिए करता है उसको नियम कहते, कि हम इतने दिन ये वस्तु नहीं लेंगे, आज के दिन हमारे जो रसों का त्याग होता है ना प्रत्येक अलग अलग, तो आज का मेरा नियम रहेगा इतने पदार्थ ही लेंगे, इतनी सब्जियां लेंगे, ऐसे करते हुए ये नियम एक दिन का दो दिन का जो भी अवधि है, और यम आज से आज जीवन जीवन पर्यंत के लिए त्याग। तो ऐसे पांच प्रकार के अभक्ष्य कोटि में जो आते हैं उनका तो यम होता है, यम रूप से क्या होता है इसका त्याग हो जाता है, और जीवन पर्यंत के लिए त्याग करना चाहिए। और जो अभक्ष्य कोटि में नहीं आता उनका अपना परिमाण और देश काल की योग्यता को देखते हुए नियम और यम दोनों रूप में त्याग किया जाता है, और ये करने के कारण ही वह व्यक्ति जैसे पूर्व में जो कहे थे पांच प्रकार के अभक्ष्य
उसका तो त्याग है, लेकिन उसमें जो योग्य खाने पदार्थ उपभोक्ता उसको भी क्या करेंगे, वो नियम करते हुए कहीं का यम भी करके आजीवन उसका त्याग किया जाता है। तो इस तरह बता के अब अंतिम उसका अच्छा और एक है। अब कहते हैं जो परिमित काल का जो नियम था त्याग, उसको कैसे किया जाता है और कौन कौन से पदार्थ का, उसके लिए श्लोक भी दिया आचार्य महाराज ने। भोजन वाहन शयन स्नान पवित्रांग राग कुसुमेशु तांबूल वसन भूषण मनवत संगीत गीतेषु अद्य दिवारजनी वा पक्षो मासस्ततर्तुरयनम च इति काल परिच्छित्या प्रत्याख्यानं भवेन्नियमः। जैसे प्रश्न उठता है उसका उत्तर आगे के श्लोक में देते, कैसे करना तो आचार्य बताते। भोजन वाहन शयन स्नान पवित्रांग कुसुमेशु, भोजन और वाहन घोड़ा आदि को वाहन कहते और शयन पलंग आदि को शयन कहते, स्नान और अपवित्र वस्तुओं के संपर्क से रहित ऐसे केसर आदि के विलेपन को पवित्र अंग राग कहते हैं, या अंग राग अंजन आदि तिलक आदि उपलक्षण में लेना है। तो इस तरह ऐसे करते हुए इसका वो प्रमाण करेगा, आज इसका मेरा त्याग रहेगा। ऐसे करते हुए वे तांबूल वसन भूषण मनमत यानी भोजन सवारी शयन स्नान अंगलेपन पुष्प हो गया, अब पान वस्त्र आभूषण काम सेवन संगीत और गीत के विषय में आद्य आज एक दिन का मेरा त्याग रहेगा। एक दिन एक रात अथवा एक पक्ष यानी एक 15 दिन के लिए हमारा क्या रहेगा, त्याग रहेगा। मास 1 महीने तक और ऋतु आदि को लेके, क्योंकि 2 मास का 1 ऋतु कहते हैं, 1 मास है यानी ऋतु है और वह आयनम 1 वर्ष में चैत्र वैशाख से लेकर 2-2 मास में क्रम से क्या आता है, वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शिशिर, ये 6 ऋतु होते हैं और उत्तरायण और दक्षिणायन। ऐसे इस प्रकार वर्ष में भेद से वर्ष में 6-6 माह के 2 आयन आते हैं। तो इसका क्या करता है कि इस प्रकार समय के विभाग करके त्याग करना, ये होता है नियम। और ऐसे करते हुए एक दिन से लेकर कहाँ तक करेंगे, 6 माह तक कर सकता है या 2 माह का तक त्याग कर सकता है, इसको बोलते नियम। और ऐसे नियम करते हुए वो व्यक्ति अपने
उस इच्छाओं को कम करता हुआ अपना कार्य करता है। और काल का प्रमाण संगीत भी, काम सेवन भी, ब्रह्मचर्य आदि व्रत को लेके, और आज हम पलंग पर नहीं सोएंगे, हम चटाई पर सोएंगे, ऐसे भी अष्टमी चतुर्दशी कई लेख लेते, कई पर्वों में लेते हैं। और कई लोग आजीवन भी गद्दे का त्याग करके नीचे सोने का चटाई पर नेम लेते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे उसको, क्योंकि उसके बिना आगे का कार्य होने वाला है ही नहीं। क्योंकि एक बार गद्दी पर सोने की आदत पड़ गई और नीचे सो ही नहीं सकता, क्योंकि यात्रा में मालूम हो जाता है क्या होता है। क्योंकि चटाई पर सोने के भी क्या होना चाहिए, आदत होना ही चाहिए, तब जाकर कार्य होगा। और इसका अभ्यास यहाँ किया जाता है। और आभूषण हम इतने ही पहनेंगे, आज इतने प्रमाण में ही हम भोजन का उपयोग करेंगे, आज फूल का उपयोग नहीं करेंगे, और आज पान खाते ना लोग तांबूल आदि इसका नहीं खाएंगे। और इसका परिमाण करते हुए वस्त्रों का भी, आज इतने ही वस्त्रों का उपयोग करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। और इस तरह आभूषण आदि के लेके हम संगीत में सम्मिलित नहीं होंगे, आज गीत बंद रखेंगे, आज हम गीत सुनेंगे नहीं, गाएंगे नहीं। तो ऐसे नियम लेने से काल का परिमाण रखकर जो त्याग किया जाता है उसको नियम कहते हैं। और इन्हीं वस्तुओं का जीवन परिग्रह त्याग हुआ तो यम हो जाता है। तो इस तरह आचार्य बता के अब इसी विषय को उपसंहार किया जा रहा है कि भोगो भोग परिमाण के अतिचार कौन कौन से हैं। शिक्षा गुणव्रतों का उपसंहार किया जा रहा है इसमें। विषय विषय तोन प्रेक्षा नु स्मृति रति लौल्य मति तृषानुभवो भोगोपभोग परिमा व्यतिक्रमः पंच कथ्यन्ते। विषय विषय तो विषय कैसे है, विष के समान है। विष एक भव को समाप्त करता है और विषय भव भव को बढ़ा देता है। इसलिए आचार्य कहते हैं ये विषय ही विष है। वो विष एक समय में समाप्त करता है, लेकिन विषय इतना संसार बढ़ा देता है, इसलिए भी उसको भी विष कहा गया है। तो ऐसे क्योंकि यह प्राणियों को विषय क्या करता है, सदा दाह उत्पन्न करता है। विषय चाह दावानल दह्यो, छड़ालाकार कहते हैं कि विषय रूपी दाह में संसारी सदा जलता रहता है। वहाँ देवों के लिए बताया है, लेकिन इसमें सदा जलता रहता है, संताप करता रहता है। और इस विषय जो प्राणियों जो दाह संताप उत्पन्न करने के कारण जितनी दाह जितना संताप उतना कर्म का बंद, शांत रहता ही नहीं, शांत बैठ ही नहीं सकता, क्योंकि विषय वहाँ आता है ना वैराग्य भावना में। ये इन्होंने बताया भोगान भुक्ता वयमे भुक्ता, अरे
भोगों को भोगने के लिए गया और भोग ही उसको भोग दिया। हाँ उन्हें भोग दिया, गया तो उसके पास, उसने भोग दिया, हो गया। तो भोग भव रोग बढ़ावे आता है वैराग भावना में। क्या आता है? भोग भव के रोग को बढ़ाता है। तो इसी तरह विषय उस संसारी को विष के रूप में होकर वही परंपरा को, दाह को उत्पन्न करता हुआ संताप दाह हो गया तो व्यक्ति चैन से बैठ ही नहीं सकता। और इसी के कारण अनुपेक्षा विष, विषय रूपी विष से उपेक्षा नहीं होना, अर्थात उसमें आदर भाव रखना। उसमें आदर भाव रखने के कारण वह व्यक्ति उपेक्षा नहीं करना ही अपेक्षा रखना ही भाव है। उपेक्षा नहीं कर रहा इसका मतलब क्या है? अपेक्षा है। और इसी के कारण एकेंद्री से लेख देख लेना पंचेंद्री तक क्रम से विषय बढ़ते हैं। एकेंद्री के पास विषय कम है, द्विन इंद्री में विषय ज़्यादा है, तीन इंद्री में और है, चार इंद्री में और है, पांच इंद्रियों में 27 विषय है। कितने आ गए? 27 विषय आ गए, मन एक 28 हो गए। तो ये, और इसलिए प्रायश्चित ग्रंथ में भी इंद्रियों के अनुसार ही प्रायश्चित होता है। तीन इंद्रिय हो तो अलग, द्विन इंद्रिय हो तो अलग, क्योंकि जैसे प्रायश्चित ले, इंद्रिय जैसे बढ़ती वैसे प्रायश्चित बढ़ता है, उसी तरह जैसी इंद्रियां बढ़ती वैसे विषय भी बढ़ते हैं। और जितनी विषय बढ़ते हैं उतना व्यक्ति उसमें गाफिल हो जाता है। और इस बात को लेके उसको आदर करता, उसमें आदर रखना यही उपेक्षा नहीं होना ही। और अनुस्मृति यानी भोगे हुए विषयों का बार बार क्या करना? स्मरण करना। यानी विषय रूपी विषय उपेक्षा नहीं, और उसमें जो भाव उपभोग विषय संबंधी वेदना के प्रतिकार के लिए किया जाता है, लेकिन उसका प्रतिकार होने के बाद भी वे व्यक्ति उसको बार बार स्मरण करता है। अभी वर्तमान में नहीं भोगा, नहीं पहला भोग के आया है, ऐसे भोगे विषयों का बार बार स्मरण करना। और अति लोल्य यानी वर्तमान में विषयों में अधिक लंपटता रखना। और एक नियम है, जितनी आसक्ति ज़्यादा उतने संस्कार दृढ़ बनेंगे। आचार्य महाराज बता रहे थे, आसक्ति के साथ कौन सी भी इंद्रिय का जितनी आसक्ति रहेगी उतना क्या हो गया, तो उसके द्वारा संस्कार उसके मन के ऊपर इतना ज़्यादा पड़ता है कि आप अपने परिणाम को ठीक रख नहीं सकते। क्योंकि वस्तु ये भोजन करना अलग और आसक्ति के साथ करना, तो ये क्या हो गया, उसका आसक्ति आते ही उसका संस्कार आत्मा पे पर पड़ जाता है। और वह आसक्ति रात को सोने के बाद भी मटक मटक करता रहता है, होता है सोने के बाद भी भोजन का आवाज़ मुँह से करने वाले लोग है, क्योंकि इतनी उस रसनेन्द्रिय के प्रति इतनी आसक्ति है। तो आसक्ति का वो प्रभाव क्या हो गया, बाद में भी रहता, इसीलिए उधर निर्वाह इतना लक्ष्य रखेंगे तो ठीक है। आसक्ति के साथ उपयोग करेंगे तो नियम से अति लोल्य शब्द दिया यहाँ। और अति लोल्य वर्तमान में विषयों में भी लालसा रखना, और अर्थात विषानुभव से वेदना का प्रतिकार हो जाने पर भी बार बार उसके अनुभव की आकांक्षा रखना। क्रिया हो गई है, होने के बाद क्या करना, और भी आशा रखना।
वर्तमान में काम हुआ लेकिन आगे भी उसकी भावना रखते जा रहे। तो इसलिए कहते अने वेदना विषाणुओं की वेदना का प्रत्यय हो जाने पर भी बार बार उसके अनुभव की आकांक्षा रखना, ये अति लोल्य शब्द देकर आचार्य कहते हैं। और अति तृषानुभवो अने आसक्ति के अनुभव बार बार वही करना, अने आगामी भोगों की अतिग्रद्धता के साथ, वर्तमान में भी ग्रद्धता है और आगे भी यही मुझे मिल जाए, इसके साथ आकांक्षा रखना, अति तृषा ये अतिचार है। और अति अनुभव अतिचार ने नियत काल में आगे शब्द आया है कि अति तृषानुभव ने आसक्ति के बाद होने का रखना और वर्तमान विषय का अत्यंत करते हुए वे नियत काल में भी भोगों का अनुभव अति आसक्ति के साथ करना, ये अति अनुभव अतिचार है। और इसीलिए आचार्य कहते कि पंचेंद्रिय विषयों के अनुपेक्षा दोष माना जाता है तो उपेक्षा गुण माना जाता है। तो ये अपेक्षा उपेक्षा यानी अपेक्षा रखना ये दोष है और उपेक्षा करना ये गुण है, क्योंकि संयम संयम का अर्थ ही बताया, संयम और असंयम यानी स्वल्प विराम है। संयम संयम का अर्थ क्या? स्वल्प विराम है, पूर्ण विराम नहीं है। पूर्ण विराम कब हो जाएगा? जब संयम को प्राप्त करेंगे तो पूर्ण विराम हो जाएगा। तो यहाँ स्वल्प विराम है, इसका मतलब है गाड़ियाँ भी रुकी नहीं, गाड़ी क्या नहीं रुकी रही, चल रही लेकिन धीरे से चल रही है। जब पूर्ण विराम हो जाए तो तब जैसे वो गाड़ी रुक गई तो रुक गई, उसी तरह विषयों से मन रुकना ही संयम हो गया। और थोड़ा थोड़ा उपयोग लिया जा रहा है तो ये क्या है? संयम है। अभी भी गाड़ी धीरे धीरे कम किया है लेकिन क्या हो जाएगा? धीरे धीरे जा रहा है। तो विषयों के प्रति उपेक्षा होने के बाद ही उपेक्षा संयम हो जाता है। उपेक्षा संयम बोलते ना, जब इसे विषयों से उपेक्षा होने के बाद ही उपेक्षा संयम होता है। और पंचेंद्रिय विषय ख्याति पूजा लाभ से दूर होने के बाद ही ध्यान हो सकता है। पंचेंद्रिय विषयों के साथ कभी भी ध्यान नहीं होता, विषय क्योंकि एक ही कार्य होगा, दोनों कार्य एक साथ नहीं हो सकते। क्योंकि विषय के लिए पशु का उदाहरण देते हैं, क्योंकि आचार्य महाराज ने बताया था सूखा खाता खाता रहता है, और जैसे जानवर क्या करता है, इधर खाता खाता रहता है साइड में हारी हो तो उसको मुंह मार ही देता है, कितना भी उसको सावधान रखे तो बीच में उधर, उसी तरह मन क्या करता है? उसी ओर जाता ही है। क्योंकि परिणामों के द्वारा पतन होता है, वैसे अच्छे परिणाम के द्वारा क्या होता है? उत्थान भी होता है। तो ग्रद्धता के साथ जैसे अभी बताया कि भोगी विषयों के संस्कार जल्दी नहीं जाते, छूटते नहीं, वो तो स्वप्न में भी आते हैं और कहीं भवों के लिए वो संस्कार पड़ जाते हैं। इसलिए आसक्ति से नहीं करते हुए इसके जितने हम कम करेंगे तब कार्य होता है। और इसलिए प्रयोग के बाद ही मन कंट्रोल में रह सकता है। बार बार प्रयोग करना पड़ता है और मन को ब्रेक लगाने के लिए विवेक प्राप्त हो गया तो मन क्या होता है? रुक सकता है। और विवेक नहीं है तो ब्रेक नहीं लगेगा, बिन ब्रेक की गाड़ी चलती जाएगी, गाड़ी भी चली जाएगी और बैठने वाला व्यक्ति भी गड्ढे में चला जाएगा। तो विवेक को प्राप्त करते हुए, क्योंकि राग द्वेष जो विभाव को लेकर ही होता है, स्वभाव से लेकर कभी राग द्वेष नहीं होता। और इसीलिए उपयोग हमारा बहिर्दृष्टि नहीं होती हुई
अंतर्दृष्टि रहेगी तब कार्य होगा, क्योंकि आगे जाकर उस ध्यान के पात्र हमें बनना है। क्योंकि आर्त और रौद्र ध्यान तो सदा होता ही रहता है, क्योंकि धर्म ध्यान के योग्य बनने के लिए, क्योंकि ध्यान हुए बिना आगे समाधि नहीं हो सकती। ध्यान और समाधि में अंतर है। जैसे आचार्य महाराज ने कहा था, दसवें गुणस्थान तक क्या होता है, उपशमन होता है, और ग्यारहवें से क्या होता है, उपशांत होता है। उस तरह ध्यान और समाधि में अंतर है, और इसीलिए मोक्ष मार्ग में मन संयत होना जरूरी होता है। जितना मन संयत होगा उतना हमारा ज्ञान ध्यान के योग्य बनेगा। हमारा ज्ञान ठीक है तो ध्यान के ओर जाएगा, और उसके लिए श्रद्धा की जरूरत पड़ती है। और विषयों का आदर करने वाला व्यक्ति मोक्ष मार्ग का अनादर ही कर देता है। जो विषयों का आदर करता है वो मोक्ष मार्ग का क्या करता है, अनादर करता है। क्योंकि अनंत काल के जो विषय है उसके साथ आदर के साथ व्यवहार कर रहा है, तो इसका मतलब है मोक्ष मार्ग के उसका विषय है ही नहीं, अनादर करता है। और इसीलिए इसको बच के अपना कार्य करने के लिए आचार्य बताते हैं, तो ये पांच अतिचार से बचेंगे तभी कार्य हो सकता है। और ये पांच अतिचार से दूर होकर इस गुणव्रतों का निर्दोष पालन हो जाएगा, तब जाकर अपना यह अनुव्रत क्या हो जाएगा, ठीक रहेगा। इसे बताते समय आपका हो, कल शिक्षा व्रत के बारे में कल बताएंगे।